Now we will discuss the powers of the President of India. The powers of the President of India are the following. Number one, executive powers. See, all the executive powers are vested into the President. Sab kiske paas hai? President ke paas hai. All executive orders are issued in the name of the President. Jitne bhi executive orders hote hai, wo kiske naam pe issues hote hai? President ke. The President appoint the leader of the majority party as the Prime Ministers, and the other ministers are appointed by him on the advice of the Prime Minister. Well, President appoint the leader of the majority party. You know, after elections, जिस पार्टी में क्या है सबसे जिस पार्टी को सबसे मेजॉरिटी ऑफ द वोट मिलते हैं उस पार्टी का जो लीडर होगा उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है. एंड अदर जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, members of finance commission, the union public service commission, election commission, the judges of the supreme court and the high court, the governor of the state, ambassador and diplomatic representatives. He can also remove them from office. jitne bhi hain positions hain in sabko kaun appoint karta hai? President. And he appoints on the advice of prime minister, and he can also remove them from the office also. The administration of the union territories is under the President. The union territories, all the administrative work and everything is under the President. See, in the union territories we don't have chief ministers, we have governors, and they are appointed by the President, and he directly like supervise and you know see the work, the administrative work of the union territories. Now the military powers. The President is the chief commander of the armed forces. He appoint the chief of the three wings of the armed forces, army, navy and the air force. See, jitne bhi wing आर्म फोर्सेज हैं उनके हेड चीफ कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट होते हैं. एंड आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के जो कमांडर्स होते हैं उनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं. ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड मेक पीस ट्रीटीज. नाउ द लेजिस्लेटिव पावर्स. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर. द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन एंड प्रोलोक द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिजॉल्व द लोकसभा. ही कैन समन द लोकसभा एंड राज्यसभा जो पार्लियामेंट की दोनों हाउसेज हैं. एंड ही कैन डिजॉल्व भी कर सकते हैं लोकसभा का. और लोकसभा डिजॉल्व कब होगी? वेन क्या मेजॉरिटी नहीं होगी किसी पार्टी की. अब जो गवर्नमेंट है उनके पास जो मेजॉरिटी ऑफ द मेम्बर्स हैं वो उनके साथ नहीं है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में हुआ है ना. एंड कमलनाथ जी की जो सरकार थी उसको गिरना पड़ा बिकॉज यू डोंट हैव द मेजॉरिटी ऑफ वोट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. The President nominate 12 members to the Rajya Sabha. ये आपने पढ़ा है. And among the person having special knowledge in the field of art, literature, science and social services. वो जो 12 members होते हैं वो किसकी फील्ड से हैं? आर्ट, गेम्स, सोशल सर्विस, लिटरेचर, साइंस. ही ऑल्सो नॉमिनेट 2 members of the एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा. 2 members लोकसभा में भी ऐड करते हैं, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं. After election, the President address both the houses of parliament assembled together for the first session. नो आफ्टर इलेक्शंस जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या है, जो बोथ द हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा उसका जो सेशन है उसे एड्रेस करते हैं. ही कैन ऑल्सो कॉल फॉर द जॉइंट सेशन ऑफ द हाउस. ही कैन ऑल्सो कॉल द जॉइंट सेशन, दोनों सेशंस बुला सकते हैं वो. अ बिल बिकम्स अ लॉ आफ्टर रिसीव द असेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सी पॉइंट नंबर डी. इन द प्रीवियस लेसन वी हैव लर्न की बिल से किस तरह से लॉ बनता है. एंड लॉ तब बनेगा जब लास्ट में क्या प्रेसिडेंट उसे साइन कर देते हैं, उसके बाद उसे लॉ मानते हैं. द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. ही मे ऑल्सो विदड्रॉ द ऑर्डिनेंसेस एनी टाइम ही लाइक्स. सी ही हैज़ द स्पेशल पावर टू इशू एनी ऑर्डिनेंस, स्पेशल ऑर्डर्स, जब क्या है पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता. आपको पता नहीं जब पार्लियामेंट के सेशन होते हैं तभी बिल्स पेश होते हैं, नए कानून नियम बनते हैं. बट उसका तो प्रॉपर टाइमिंग है सेशंस को बुलाने का, बट इसके बीच में अगर कभी किसी कानून की जरूरत पड़ गई या किसी स्पेशल ऑर्डर की जरूरत पड़ गई देन द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू एन ऑर्डिनेंस. एंड उसे विड्रॉ करने का भी पावर है उनके पास. नाउ द फाइनेंशियल पावर्स. द प्रेसिडेंट हैज़ द फॉलोइंग फाइनेंशियल पावर्स. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट.
मनी बिल्स तभी पार्लियामेंट पे इंट्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज विदड्रॉ ऑफ मनी इन एडवांस फ्रॉम द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड टू मीट अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर. ही कैन विदड्रॉ द मनी इन एडवांस ऑल्सो इफ देर इज इन